क्या हुआ? परम धाम को नीचे उतार लिया क्या? हाँ, स्वस्तिक चिन्ह का अर्थ क्या है? स्वस्तिक चिन्ह का अर्थ क्या है? स्वस्तिक माने कल्याणकारी, स्वस्थिति में टिकना, यही कल्याण है। स्व माने आत्मिक स्थिति, बिंदु रूप में टिक जाना, सिवाय ज्योति बिंदु आत्मा के और कुछ भी याद नहीं। बाप भी याद है तो ज्योति बिंदु आत्मा भी याद है। क्योंकि बाप ही है जो स्वास्तिका की चारों भुजाओं से चक्र लगाता है। कोई और आत्मा है जो चार युगों का पूरा चक्कर लगाती हो? 5000 वर्ष का पूरा चक्कर कौन लगाती है? है एक दिन भी कम नहीं। बाप ही है, बाप के साथ वो 8 बच्चे भी हैं जो सारी मनुष्य सृष्टि के पूर्वज कहे जाते हैं। तो जो पूरा चक्कर लगाते हैं वो ही ऊंचे से ऊंचे कल्याणकारी हैं। इसलिए मकान बनावेंगे, दुकान बनावेंगे, कारखाना बनावेंगे, पूजन करेंगे तो कौन सा चिन्ह बनाते हैं? स्वास्तिका का चिन्ह बनाते हैं कि हमारी दुकान, ये हमारा घर लंबे से लंबे समय तक कायम रहे। और बाबा है राम कृष्ण की आत्मा का भी युगल बनेंगे कि नहीं? राम और कृष्ण आत्मिक स्टेज में हैं तो भाई भाई हैं। देह में आते हैं पहली पहली बार, तो दोनों का संबंध जो बनता है वो नाम क्या पड़ता है? क्या नाम पड़ा है? प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा नाम क्यों आया? ब्रह्मा ने बड़ी मां माने मां, और प्रजापिता माने बड़े से बड़ा पिता। तो वो सारी सृष्टि का पिता है और वो सारी सृष्टि की मां है। कौन है आदि ब्रह्मा? है जगदम्बा। आदि ब्रह्मा भी है और वो प्रजा का पिता भी है। परंतु क्या जगदम्बा संपूर्ण पार्ट है उस समय संगम युग के आदि में, या अपूर्ण पार्ट है? तो जगत पिता और जगदम्बा का गायन किस समय का है? अंत समय में जब संपूर्ण बने तो जगत पिता भी है और जगत की माता चोले से तो है ही,
तो माता तब ही कही जाएगी जब चोला स्त्री का हो, परंतु उसमें आत्मा कौन सी पार्ट बजाती है? ब्रह्मा अर्थात कृष्ण की सोल पार्ट बजाती है। तो दोनों आत्माओं का संपूर्ण बनने पर क्या संबंध बनता है? असली जगत पिता जगदम्बा कौन हुआ? मुरली में क्या बोला है? वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है। ब्रह्मा जगदम्बा है और ये शंकर जगत पिता है। ये जगत पिता का गायन शास्त्रों में भी है। जगतम पितरम वंदे, वंदना की जाती है। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। तो संगम युग में शूटिंग हो गई तो 84 जन्मों में भी होगी कभी या नहीं होगी? है, होगी, सदैव के लिए नहीं होगी, हर जन्म के लिए नहीं होगी, लेकिन कभी कभी के लिए तो जरूर होगी। और फर्रुखाबाद में बहुत बड़ा मेला लगता है राम की याद में, राम नगरिया लगती है, नगरिया गाड़ी है, भरपूर लोग मान के बड़े बड़े दूर से संत लोग आते हैं, एक महीना पूरा चलता मेला। हाँ जी, तो वहाँ की क्या है यार, राम के जन्म भूमि तो वही हुई, राम नगरिया वही बनेगी जहाँ उसके जन्म होगा। राम नगरिया राम की बसे गंग के तीर, तुलसीदास महाराज की चौकी अनुमत बीर। कौन सी आत्मा तुलसीदास है? है राम वाली आत्मा की नगरी है, तुलसीदास की नगरी नहीं कहते हैं। तुलसीदास महाराज की है तो नगरी, लेकिन नाम किसका दिया? राम की नगरी है। कौन चौकी मार के बैठता है वहां? हनुमान जी महाराज। जहां जहां राम का गायन होता है कहते हैं वहां हनुमान जी जरूर विराजमान हो जाते हैं। कौन है हनुमान? ब्रह्मा बाबा की सोल हनुमान का पाठ बजाती है। तो यादगार बनी हुई है फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद के लोग मालिक को बहुत मानते हैं। घर का मालिक कौन होगा? बाप ही होगा। तो वो राम बाप जरूर वहां किसी जन्म में घर बना के बैठा होगा। कौन से जन्म की बात है? हैं? संगम युगी आखिरी जन्म की बात है। तो यादगार नगरिया लगती है गंगा जी के किनारे, जरूर वहां गंगा भी बहती होगी। यहाँ तो ज्ञान गंगा की बात है। और चित्रकूट का घाट भी वही हो गया है? नहीं, रामनगरिया गंगा के घाट पर फर्रुखाबाद के नीचे है। फर्रुखाबाद ऊंची स्टेज में है तो भी रामनगरिया तो गंगा के तलहटी में होती है और वो है चित्रकूट। चित्र माने फोटो, कूट माने पहाड़। कैसी स्टेज वहां बनती है? पहाड़ जैसी ऊंची स्टेज बनती है। उसकी यादगार है चित्रकूट। और बाबा बेहद की भाषा में कुछ कहा पड़ा बांदा जहां बहुत बांदा बांदी होती है, माया बहुत बांदा बांदी करती है, तो जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं तीखा पुरुषार्थ करने वाली, उनका पुरुषार्थ भी कैसा हो जाता है? बहुत तीखा ऊंचा पुरुषार्थ हो जाता है।
तो बांदा जिले में चित्रकूट यादगार बनाई दी है जी, यूपी में। हाँ जी, और बाबा अयोध्या जो है पूरब में दिखाई है और मथुरा जो है पश्चिम में है। इसका व्यस्त का मथुरा यमुना के किनारे है, यमुना नदी। बाकी मिट्टी कैसी है, देह अभिमानी की मिट्टी कैसी है, चिकनी मिट्टी है। वो देह अभिमान जिसको चिपक जाता है जल्दी छूटता नहीं, तो वो मथुरा नगरी यमुना के किनारे दिखाई गई है। वहां पर कृष्ण का जन्म दिखाया है, वही नजदीक वृंदावन है जहां कृष्ण के चरित्र बहुत प्रसिद्ध हैं। कृष्ण और राम दोनों को ही भगवान का अवतार माना गया है, परंतु दोनों में अंतर क्या है? एक है पश्चिमी सभ्यता का पाठ बजाने वाला, चर्म सीमा तक पश्चिमी सभ्यता का पाठ बजाने वाला, और एक है पूर्वी सभ्यता का पाठ बजाने वाला, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो राम को और कृष्ण को क्या अंतर दिखाया है, है? राम बुद्धियोग से मर्यादा में रहकर सारा कार्य करता है और कृष्ण मर्यादाएं सारी टूटी हुई है। जैसे पश्चिमी सभ्यता में एक नारी व्रत रखते हैं कि मर्यादा तोड़ देते हैं, है? मर्यादा तोड़ देते हैं। इसलिए कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। क्रिश्चियंस कुत्ते को बहुत प्यार करते हैं, राम के लिए नहीं ऐसे दिखाया है। जो राम के फॉलोअर्स हैं वो सूर्यवंशी हैं, कृष्ण के फॉलोअर्स चंद्रवंशी हैं। चंद्रमा की कलाएं दिखाई जाती हैं, घटता भी है और बढ़ता भी है, 16 कला संपूर्ण भी होता है। राम तो सूर्यवंशी है, उसमें सूर्य प्रवेश है, सूर्य कलाओं में नहीं बांधा जाता। तो एक पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक है और एक पूर्वी सभ्यता का प्रतीक है। इसलिए अयोध्या पूरब में है और मथुरा पश्चिम में है। और बाबा ने अगले जो वीडियो में बताया कि भारत को सन से विशेष सुख देना है, हाँ। तो लक्ष्मी उसने पहले पहले मुंह से लेती है सुख देने का, बिल्कुल। तो लक्ष्मी वाली आत्मा तो अभी नारायण वाली आत्मा के कनेक्शन में भी आई नहीं है, कनेक्शन में नहीं आई तो बुद्धियोग से ज्यादा सुख दिया जा सकता है या देह से ज्यादा सुख दिया जाता है, हा? परिचय नहीं हुआ है तो बुद्धि। अच्छा, राम का परिचय नहीं हुआ, वो तो 70 में हुई है जब उसने उससे ज्ञान दिया। अरे वो तो आदि में भी गुरु है अंत में भी गुरु है, हैं? वो गुरु है या नहीं है? बेसिक में भी गुरु है या नहीं है? बेसिक में भी गुरु है और एडवांस में पवित्रता का गुरु है या नहीं है? लेकिन एडवांस में तो अभी कनेक्शन में आई नहीं, अभी नहीं आई है तो क्या खत्म हो गया संगम युग? तो कॉफ देने की नीति बनती है,
सुख देने के निमित्त कब बनती है? जब 40 वर्ष पूरे हो, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? तो कब से गिनेंगे? 76 से गिनेंगे। 76 से लेकर 40 वर्ष जोड़ दिए तो कौन सा सन आता है? 2016 आता है। 77 है संपूर्णता वर्ष, तो 2017 में प्रत्यक्षता होनी चाहिए आसपास। लक्ष्मी निकली और खेल खेल कलास। और है लौकिक में कम उम्र में अभी देखने में आ रहा है, जैसे हार्ट का हुआ है, ये हार्ट का हुआ, हार्ट हार्ट हाँ, किडनी का हुआ है, ये कम उम्र में शरीर छोड़ रहे हैं, इसका बेहद में अर्थ यही है कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे आज जन्म लेते हैं और कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। यज्ञ के आदि में जिन्होंने जन्म लिया वो अभी तक काम दे रहे हैं, तो बेहद में लंबी आयु वाले हुए या छोटी आयु वाले हुए है? यहाँ तो जन्म लेते ही बीमारी पकड़ लेती है, ये माया की बीमारी है। आजकल छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो प्राइमरी स्तर के स्कूल में पढ़ते हैं, उनको भी टीवी देखते देखते दुनिया की सारी बातों का पता हो जाता है। प्राइमरी स्कूल में ही लव करने लग पड़ते हैं, एग्रीमेंट करने लग पड़ते हैं आपस में, क्या हम आपस में शादी करेंगे? और दीक्षित बाबा कभी साकार लेखा ब्रह्मा से मिले होंगे कि नहीं? साकार वीरेंद्र देव दीक्षित, हर जन्म में वीरेंद्र देव दीक्षित का नाम होता है। साकार सेवक राम है, साकार में इस जन्म में ब्रह्मा, इस जन्म में उस जन्म में है, इस जन्म में राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा, उनके लिए बात कर रहे हैं? आत्मा के लिए नहीं, शरीर से, शरीर के लिए बात कर रहे हैं। तो वीरेंद्र देव दीक्षित की जो बात कर रहे हैं वो तो 69 में ज्ञान में आती है, और 69 के अंत में ज्ञान में आती है या आदि में आती है? और ब्रह्मा बाबा ने कब शरीर छोड़ा? आदि में से 18 जनवरी को शरीर छोड़ा 69 में, तो मिलना संभव है? इस हिसाब से तो मिलना संभव है, है? है? और बाबा जी का इतिहास बताता है, ये वीरेंद्र देव दीक्षित की बात है, क्या राम और कृष्ण की बात नहीं है क्या? राम और कृष्ण की बात है। आप अभी देहधारी की बात कर रहे हैं, कभी आत्मा की बात करते हैं? नहीं, देहधारी में सोच रहे हैं, साकार में सोच रहे हैं। तो देहधारी तो वीरेंद्र देव दीक्षित देहधारी है ना? है हाँ, आपके सामने वीरेंद्र देव दीक्षित बैठा है या राम वाली आत्मा बैठी है? तो उस समय देखा जो ब्रह्मा अंतिम में आप वीरेंद्र देव दीक्षित मिले नहीं साकार में? ये तो आपको पता है, किसी ज्योतिषी ने आपको बताया होगा, अगर नहीं बताया है तो साबित करके बताओ। इसलिए बाबा से पूछा, ज्योतिष ने नहीं बताया। बाबा ने तो बोला है सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है, आपने किसी से सुन लिया है कि वीरेंद्र देव दीक्षित की आत्मा राम वाली आत्मा है, तो आप बोलने लग पड़े? आप साबित करके दिखाओ तो हम मानेंगे नहीं, हम तो मानने वाले नहीं। इसी में कंफ्यूज है, इसलिए बाबा से पूछा ना। कंफ्यूजन है इसीलिए तो कह रहे हैं, जब कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन वाली बात क्यों बोलना चाहिए? जो कंफ्यूजन वाली बात है वो भरी सभा में नहीं बोलना चाहिए, कंफ्यूजन सबको पैदा कर देंगे,
या सिर्फ एक कोई रहेगा? है वो वाइब्रेशन कंफ्यूजन के सबको फैलेंगे या अकेले में रहेंगे? प्रश्न तो मन में जिंदगी रखना नहीं चाहिए, बोला जो भी है कुछ लेकर बोला है। हाँ तो उसका जवाब दे दिया, जवाब ये दे दिया कि राम वाली आत्मा बीरेंद्र देव दीक्षित है, ये तो हम नहीं कह सकते, हमें तो पता नहीं। आपके कान में या तो कोई ज्योतिषी ने बोल दिया है, या आपको साक्षात्कार हुआ है, या आपने सपने में देखा है, सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यह है कि नहीं मिला होगा साकार है? साकार में नहीं मिला होगा, वो तो स्पष्ट है। अब तो मालूम हो गया साकार में नहीं मिला है उस हिसाब से। अच्छा अच्छा अच्छा, वीरेंद्र दीक्षित की तो बात है कि वो दादा लेखराज से नहीं मिला, नहीं गिरेगा। हाँ, कन्फ्यूजन तो आपको बना रहेगा, बात क्लियर नहीं हुई। बाबा की डेथ हो जाता है अगले जन्म में, जो अभी जो आत्मा सेवक रहा है उसी का तो दूसरा जन्म अभी, जिसको हम नाम दूसरा हो गया जन्म में, जो कि ब्रह्मा बाबा का दुकान का पार्टनर रहता है। कैसे? बुद्धि के हिसाब से जो हमारी जो यज्ञ समझाओ, ये तो समझाओ, यज्ञ के आदि में क्या लिखा हुआ है? ये 10 वर्ष से रहने वाला मूर्ति माया है। हाँ, 10 वर्ष से रहने वाला कौन है? 10 वर्ष से रहने वाला रहता था ब्रह्मा बाबा। इसका क्या प्रूफ है कि वीरेंद्र देव दीक्षित ही रहने वाला था? वीरेंद्र देव दीक्षित सेवक राम था, सेवक राम था, सेवक राम नाम वीरेंद्र देव दीक्षित का ही था, ये किसकी क्या गारंटी? चुप। अच्छा, अरे चुप की बात नहीं, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है? नहीं 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 नहीं, तो समझाओ। नहीं, जैसे हमारी मूर्ति में भी आता है 10 वर्ष से रहने वाला, कोई भी हो सकता है एक्स वाई जेड। ये ब्रह्मा बाबा को जब मैंने मम्मा ने शरीर छोड़ा उसके बाद बाबा को एहसास हुआ कि 10 वर्ष से रहने वाली कोई आत्मा थी और ये कोई माता थी जिनके मार्ग वही। बाबा को एहसास नहीं हुआ, ये तो मुरली में शिव बाबा ने बोला है ब्रह्मा के मुख से कि 10 वर्ष से रहने वाला ज्ञान में जाती थी, मम्मा बाबा को भी दिल कराते थे, उनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे। क्या खुली ना ब्रह्मा ये काम सुना को, जैसे ब्रह्मा बाबा समझदार है या बच्चा बुद्धि है, वो क्या समझेगा? वो तो जितना सुना दिया उतना रट्टा लगा लिया, उनके बच्चों ने भी ऐसे ही किया। है भारत में तो 76 के बाद से प्यूरिफिकेशन आ रहा है उसका, हर चीज का खंड। वही तो बात है, जिनको एडवांस में निश्चय आ रहा है वो 8 प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं देते अभी तक? और भगवान शास्त्रों में याद में पांडवों के साथ पांडवपति भगवान ने अलग से प्रश्न मिलते हुए दिखाते हैं, लेकिन अभी समय में बाबा पांडव भाइयों के साथ इस तरह से प्रश्न या ग्रुप में मिलते हुए नहीं दिखाई देते। क्यों? अव्यक्तवाणी में नहीं बोला है? अव्यक्तवाणी में तो बोला हुआ है। क्या बोला है 8 के लिए? अव्यक्तवाणी में क्या बोला है? हैं? बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते, बच्चे बाप के बगैर नहीं रह सकते, कम से कम फोन के द्वारा जरूर कनेक्शन में रहेंगे। अच्छा, फोन से नहीं तो इंटरनेट से कनेक्शन में रहेंगे। ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जो कनेक्शन में न रहें। तो आप कैसे कहते कि पांडव जो हैं वो पांडव पति के साथ नहीं होते हैं? एक पर्सनल जो है पर्सनल मिलते हैं ना, वो पर्सनल मिलना कैसे होता है? कान में मोबाइल से बात करना पर्सनल बात करना नहीं है? दूसरे कान में बात जाती है क्या? इसीलिए बाबा भरी सवाल में जो प्रमुख मिलने वाली बात थी, यहाँ भरी सवाल पूछा जाता है ना। हाँ, पूछो। अलग से मिलते तो ऐसे भरी सवाल बोलना नहीं, अब पूछना नहीं होता था। अलग से मिले अलग से पूछो, अंदर से मिले तो अंदर से पूछो। बाबा तो पूछने के लिए क्यों मना करेंगे?
नहीं बाबा सबके में साथ तो क्लास के बाद या क्लास से पहले नहीं मिलते रहते, पांडव के साथ ऐसे अलग से मिलते हुए दिखाई नहीं देता। हाँ आपको दिखाई नहीं देते होंगे, किसी को दिखाई देते हैं किसी को नहीं दिखाई देते, तो भरी सभा में इसलिए ऐसी बात पूछी जाती है। भरी सभा तो बाबाओं की भी होती है, ये भी बीरेंद्र देव दीक्षित बाबा है, यहाँ भी सभा है, ये क्या बड़ी बात हो गई? नहीं तो प्रश्न पूछने वाली बात है, पूछे जाते हैं। नहीं तो प्रश्न पूछने वाली जो बात होती थी बाबा से, अगर अलग प्रश्न मिलने का तो वही प्रश्न पूछते थे ना, तो कोई मना है क्या? मिलते नहीं बाबा, तो क्लास के बाद तुरंत है, क्लास के बाद तुरंत सकती हो। वो भी पूर्व जन्म का हिसाब किताब है, वो भी पूर्व जन्म का हिसाब किताब है कि इस जन्म का हिसाब किताब है? हाँ तो पूछो, मना किसने किया है? खोल के पूछो, दिल खोल के। एक बार बाबा अधिक पानी में जो सुनते हैं है? सुना हुआ वो लिखित में जब निकलता है, है? उसमें फर्क होता है। जो जो छापने वाले हैं वो अगर देह अभिमानी है, स्वार्थी है, तो फर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? लेकिन जिन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, क्यों रिकॉर्डिंग की वाणी नहीं आती है? तो रिकॉर्डिंग वाली आप पढ़िए, सुनिए। बाबा जी कागज वाली आती है सात पन्ने की, आठ पन्ने की अव्यक्तवाणी जो हम लोग को आती है कागज के पन्ने में, सात आठ पन्ने की होती है अव्यक्तवाणी, आठ पन्ने की होती है। तो उस समय टेप रिकॉर्डर नहीं था क्या? अव्यक्तवाणी अभी भी टैप रिकॉर्ड होती है, अभी तो इंटरनेट में साथ साथ निकलती है, वो बोलते जाते हैं और इंटरनेट में निकलती जाती है, देखते जाते हैं। हाँ तो वही सुनिए आप, आपको किसने मना किया कि आप कागज की वाणी पढ़िए? वो नहीं मिला है, लेकिन कागज जो मैंने सुना था उस फर्क, कागज की वाणी को थर्ड क्लास बोला है, आप फर्स्ट क्लास मान लीजिए ना, और अव्यक्तवाणी कोई मुरली नहीं है, संदेशियों के द्वारा चलाई हुई वाणी, इसको मुरली नहीं कहेंगे। ये धारणा की देवात्मा की वाणी है, भगवान की वाणी नहीं है ज्ञान सागर की। रिकॉर्ड किया हुआ उसमें फर्क नहीं है जी, रिकॉर्ड किया हुआ उसमें फर्क, रिकॉर्ड किया हुआ कैसे फर्क पड़ जाएगा? रिकॉर्ड किए हुए में कैसे? अरे इंटरनेट में साथ साथ निकल रहा है। जो बच्चे हैं हरेक के पास इंटरनेट का व्यवस्था कैसे हो सकती है? जिंदगी है काय के लिए, रोटी दाल खाने के लिए है, रोटी दाल में पूरा पैसा लगा दो, इसके लिए जिंदगी है। नहीं बोलता हूँ बाबा, जैसे हर बच्चे के पास तो इंटरनेट, तो क्या खर्चा आता है? कंप्यूटर घर में कि नहीं? कंप्यूटर है तो इंटरनेट में कितना ज्यादा जाए, 500 रुपए का खर्च? नहीं तो वो तो मान लीजिए हर बच्चा तो नहीं रख पाएगा। क्यों नहीं रख पाएगा? है जिसने अपने जिंदगी का लक्ष्य ले रखा है कि हमको तो जिंदगी में यही लक्ष्य है, एक शिव बाबा, तो क्यों नहीं करेगा? हाँ जी बाबा, ये किसी व्यक्ति के लिए भी बोल सकता है क्या? अभी तो आज बड़ी सभा में हाँ, उसको संबंधित करके कोई, हाँ आठ बच्चों के लिए अव्यक्तवाणी में तीन चार साल से वाणी नहीं चल रही है, किसी के लिए एक व्यक्ति के लिए कोई भी वाणी चलती है चारों ओर के बच्चों से, तो चारों ओर का बच्चा का मतलब यह है चारों दिशाओं का बच्चा हो गया ना, चारों दिशाओं के चार कोण हो गए, आठों बच्चे हो गए कि नहीं हो गए? आठों बच्चों को इंट्रोड्यूस करके वाणी चल रही है अव्यक्तवाणी, वो पूर्वज बच्चे हैं, सारी सृष्टि के बीज रूप हैं। सारी सृष्टि उन बच्चों में समाई हुई है, जैसे कि हर एक सितारे में दुनिया समाई हुई है। हाँ सब कुछ हम
दमनु है तो शब्द क्या है चालीस वर्ष का जो पुरुषोत्तम संगम युग है उसके बाद माउंट आबू जाएंगे उसका अर्थ पूछेंगे। उसके बाद माउंट आबू जाएंगे को हाँ जीवन मुक्ति मिलेगा तो जीवा नंबर वार मिलेगा में प्रवृत्ति है प्रवेश करते हैं उसे उसके बाद में देखने के लिए जीवन मुक्ति पाएगा। हाँ हाँ कोई शक है क्या 40 वर्ष पूरे होंगे तो सतो प्रधान कोई बच्चे बने नंबर वार नहीं बनेंगे बनेंगे। बाबा वो कह रहे हैं गुलजार दादी में बाबा आते हैं उनसे जो डायरेक्ट सुनेंगे वही जीवन मुक्ति पाएंगे। गुलजार दादी में जो डायरेक्ट सुनेंगे वो जीवन मुक्ति पाएंगे माने जीवन मुक्ति मुक्ति देने वाला ब्रह्मा की सोल है या शिव की सोल है और गुलजार दादी में कौन आता है ब्रह्मा बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाले हैं खुद तो सूक्ष्म शरीर के बंधन में बंधे हुए हैं। बाबा जीवन मुक्ति देते हैं जी बाबा तो जीवन मुक्ति देते हैं उनको पास में ज्यादा मुक्ति मिला है बेसिक वाले ऐसा बोलते हैं आप बोलते हैं हमने तो बेसिक वालों को नहीं सुना आपको विश्वास है तो बेसिक वालों की बातें करते शिव बाबा की बात नहीं करते। शिव बाबा ने तो कहा मेरे सिवाय और मुक्ति जीवन मुक्ति कोई किसी को दे नहीं सकता ब्रह्मा भी नहीं दे सकता बोलो तो सब कुछ मिलेगा बोलो तो सब कुछ मिलेगा ब्रह्मा बाबा से बोलते हैं ब्रह्मा बाबा से मिलेगा तो दुनिया में चित्र होने चाहिए शंकर और विष्णु की तरह दादी जी तभी छोड़ के घर में पार्टी चले गए मुरली में से ये बांध जाते हैं तो जीवन मुक्ति मिलना है तो आपको सेवा करना है तो मुरली में बताया और जीवन मुक्ति मिलना है तुम्हारी दादी और दीदी दादाओं को जीवन मुक्ति मिल रही है कि मरण मुक्ति मिल रही है और तुम्हारे ब्रह्मा को मरण मुक्ति मिली या जीवन मुक्ति मिली जीवन मुक्ति जीवन रहा उनका जीवन तो खलास हो गया जीवन मुक्ति उसे कहते हैं कि जीवन भी रहे और दुख दर्दों से मुक्ति भी हो जाए तो ना ब्रह्मा की हुई जीवन मुक्ति और ना ब्रह्मा के बच्चे दीदी दादी दादाओं की हुई सब अकाले मौत में शरीर छोड़ रहे हैं ब्रह्मा की तरह सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत बन रहे हैं इसे मुक्ति कहा जाता है। और बाबा इसे कहा गया है कि तुम्हारा किला ऐसा मजबूत बन जाएगा कि कोई भिखारी प्रवेश नहीं कर सकता ठीक है लेकिन आज मधुबन में जो जो बीके वाला बना रखा है जो 50,000-60,000 जमा हो रहे हैं उसमें तो 90% भिखारी आत्मा ही जाती है ना वहां तो भी तो उनके लिए तुम्हारा कहा है तुम्हारा किसके लिए कहा है तुम्हारा बीके के लिए कहा है या तुम्हारा उन बच्चों के लिए कहा है जो सन्मुख बैठे आज भी मुरली सुन रहे हैं किसके लिए कहा है जो बाबा जो आज पॉइंट निकाले हैं इस पर तो ये पॉइंट भी तो आ सकता है जो आज जो वहाँ जाके हुजूम जमा हो रहा है वो तो भक्ति मार्ग का शूटिंग होके खाली हाथों खाने दिखाओ तो उनके लिए तो तुम्हारा कहा ही नहीं ओनली फॉर एग्जीबिशन उनके लिए तुम्हारा नहीं कहा तुम्हारा शब्द उनके लिए बोला है जो सन्मुख बैठ करके आज भी मुरली सुनते हैं शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा से नहीं। और दादा भाई माउंट आबू में अंत में क्यों जाते बाबा भाई लोग बाबा ने आज मुझे ऐसे बोला कि भाई अंत में माउंट आबू जाएंगे वैद्य तो माता ने माता जाएंगे माउंट आबू जाने की बात कहाँ बताई है ऊंची स्टेज में जाने की बात बताई और ऊंची स्टेज तो दो हैं एक तो मुक्ति और एक जीवन मुक्ति ज्यादा श्रेष्ठ कौन सा है जीवन मुक्ति में जाना ज्यादा श्रेष्ठ है तो जीवन भी रहे और दुख दर्दों से मुक्ति भी मिल जाए ऐसी नई दुनिया में पहुंच जाएं जहां दुख दर्द हो ही नहीं संगम युग में ऐसी स्टेज में कोई आत्माएं पहुंचेंगी
जहां पुण्यात्मा ही पुण्यात्माओं का समूह होगा, क्योंकि मुरली में बोला है अंत में आधे पुण्यात्मा बचेंगे और आधे पापात्मा बचेंगे। तो पापात्माओं की लिस्ट में पुरुष होंगे या स्त्रियां होंगी ज्यादा है? पुरुष होंगे, सब होंगे या नंबरवार होंगे? नंबरवार होंगे। ये तो स्वभाव संस्कार, तो पुरुष चोला होते हुए भी तो वो भी तो माता ऐसा स्वभाव बन सकता है। ज्यादातर पुरुष होंगे चोले से। आज मान लीजिए कोई स्त्री चोला ही है, अगर उसका स्वभाव पुरुष जैसा है स्त्री चोला से तो इक्का दुक्का होंगे या 100% होंगे? उनका परसेंटेज ज्यादा होगा या बहुत कम होगा? बहुत कम परसेंटेज होगा। नहीं, वो स्वभाव संस्कार की बात है सिर्फ। रुद्रमाला के मणकों में जो एडवांस पार्टी में चलने वाले हैं वही तो है ना। तो अभी आंखें फाड़ के देखो कि उनमें हर आश्रम में, हर मिनी मधुवन में कन्या माताओं की संख्या ज्यादा है या पुरुषों की संख्या ज्यादा है? तो रुद्रमाला के मणके नहीं है वो कन्या माताएं, उनकी संख्या ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कन्याएं माताएं रुद्रमाला का मणका नहीं बन सकती। रुद्रमाला का मणका बनना माना आत्मिक स्टेज में रहना। रुद्राक्ष के मणकों में आंखें मुख बने हुए हैं, वो मुख लेने की यादगार है। कोई मणका एक मुख का है, उसमें एक ही बाप दादा ही प्रवेश कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। कोई मणके ऐसे हैं जिनमें 14-14 आत्माएं भी प्रवेश करती हैं। तो जिनमें ज्यादा आत्माएं प्रवेश करती हैं वो विधर्मियों के बीज हैं या स्वधर्मियों के बीज हैं? विधर्मियों के बीज हैं। जिसमें एक बाप दादा प्रवेश करता है वो तो संकट की आत्मा ही नहीं। वो तो एक ही बाबा है, उसमें तीनों आत्माएं काम कर रही है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई है। जो पांचीकरण मनुष्य आत्मा है सब रुद्रमाला की मड़का है, इसका अर्थ क्या होगा? क्या सब पांचीकरण ऐसा कहा है मुरली में? वो अंत में बनेंगे जब साप की आत्मिक स्टेज बन के परमधाम में जाएंगे। भले सजा खा के जाएं या कर्म भोग भोग के जाएं या याद में जाएं, जाएंगे आत्मिक स्टेज में। तो विजयमाला के मणके भी क्या हो गए? वो भी रुद्रमाला के मणके हो गए। और ब्रह्मा और कृष्ण के आत्मा द्वारा बोले गए अव्यक्त वाणी शिव बाबा की मुरली वाणी से क्रास नहीं करती है। हाँ, तो बाबा के रूप में पार्ट बनाने वाले कृष्ण की आत्मा है? हिरण के रूप में पार्ट बनाने वाले कृष्ण की आत्मा? हिरण हीरो हीरो के रूप में पार्ट बजाने वाली कृष्ण की आत्मा के खुले में निमित्त बनती है। हाँ, और फिर प्रवेश करके धर्मराज का पार्ट भी बजाती है। प्रवेश करके धर्मराज का पार्ट, उसका प्रवेश करना धर्मराज के पार्ट के रूप में बाप के रूप में होगा या कोई दूसरे रूप में होगा? फिर प्रवेश करने वाली आत्मा तो वही है ना। हाँ हाँ, लेकिन वो बाप का ही रूप धर्मराज का रूप होगा और वो इशारे से कार्य कराएगा या प्रैक्टिकल में होगा? वो बुद्धि योग से धर्मराज बनेगा या वाचा से बनेगा? कैसे बनेगा? बुद्धि योग से बनेगा। और तो दूसरी और वही आत्मा अरियल बैर या पत्ता फुद्धि या बलराम या हिरण्याक्ष के रूप में जो पार्ट
बजाती है आ? मतलब ये अपोजिट जैसा लगता है आ? मतलब आपस में जैसा लगता है। वो तो संपन्न स्टेज की बात है, संपन्न स्टेज में अच्छा पार्ट बजाएगी या बुरा पार्ट बजाएगी, कैसा पार्ट बजाएगी? संपन्न स्टेज में तो अच्छा ही बजाएगी ना, ये तो अधूरी स्टेज है जो जानवरों का पार्ट दिखाया है, हनुमान का पार्ट दिखाया है, गणेश का पार्ट दिखाया है। ये उतरती कला की स्टेज की बात है या संपूर्ण चढ़ती कला की स्टेज की बात है? दोनों को मिला के इकट्ठा क्यों करते? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। अगस्त वाणी का मतलब आते स्टेज में आते हैं ना? अगस्त वाणी जो उनके द्वारा निकलते हैं हाँ, तो वो तो ज्ञान की वाणी होती है। ज्ञान की वाणी होती है? हाँ, धारणा की वाणी है, धारणा देवताओं में होती है, ज्ञान नहीं होता देवताओं में, बुद्धू है। तो ब्रह्मा संपूर्ण ही नहीं बना है। ब्रह्मा की आत्मा की जो वाणी गुलजार दादी में चल रही है वो धारणा की वाणी है या ज्ञान की वाणी है? धारणा की वाणी है, देव आत्मा की वाणी है। देवताएं बुद्धू होते हैं या बुद्धिमान होते हैं? बुद्धू है लेकिन धारणावान है। तो जिसमें धारणा होगी वो धारणा की बात सुनाएगा, जिसमें ज्ञान होगा वो ज्ञान की बात सुनाएगा। और बाप की याद में खड़ी होना चाहिए। बाप की याद में खड़े होना चाहिए का मतलब पुरुषार्थ में बैठ नहीं जाना है, खग्गियां मारना चाहिए। जैसे कोई नाचता है ना, यूं यूं करते करते हैं तो खग्गियां मारना हो गया, खुशी में झूमते हैं। हाँ, बाकी याद में खुशी में झूमना, खग्गियां मारना चाहिए, खुशी में झूमना चाहिए। है आत्मिक स्थिति की निशानी है, खुशनुमा चेहरा दिखाई देगा। जैसे क्राइस्ट को देखो, गुरु नानक को देखो, महात्मा बुद्ध को देखो, शंकर के जो चित्र दिए हुए हैं उन चित्रों में देखो, तपस्या में बैठा हुआ कैसा चेहरा दिखाई दे रहा है? है खुशनुमा चेहरा दिखाई देता है, उसे कहेंगे आत्मिक स्थिति। और बाबा जब क्राइस्ट को फांसी पे चढ़ाया गया हाँ। जिस मैंने क्राइस्ट की आत्मा तो किसी ने प्रवेश की थी तो उसको फांसी में चढ़ाया गया, तो उस चेहरे को देखने में तो किसी नजर नहीं आ रहा बाबा। इस तरह क्राइस्ट का क्राइस्ट की आत्मा जिसमें प्रवेश किया जिसको फांसी में, जो आत्मा प्रवेश करती है वो प्रवेश करने वाली आत्मा पावरफुल होती है या जिसमें प्रवेश करती है वो पावरफुल होती है? प्रवेश करने वाली पावरफुल होती है, तो वो भाग सकती है ना, चाहे जब ऐसी कोई स्टेज आएगी तो भाग जाएगी। क्राइस्ट को जिस तरह फांसी में चढ़ाया गया, चारों आत्म किला मारो, क्राइस्ट को चढ़ाया गया या जीसस को चढ़ाया गया? जीसस को चढ़ाया गया, तो उस टाइम आत्मा भाग जाती है। हाँ जी, वो नहीं दुख भोग सकती, दुख भोगने वाली सतोप्रधान आत्मा होगी या तमोप्रधान आत्मा होगी? जो अनेक जन्म लेने वाली है वो तमोप्रधान हो गई, वो दुख भोगने वाली है तो सूली दुख भोगे, क्योंकि जिस तरह जो हाथी में उसको आपने किला खोद के चढ़ाया गया, चेहरे में हंसी नहीं थी उसमें। हाँ जी, हाँ जी, चेहरे में कहाँ से वो आत्मा निकल गई ना, सात्विक स्टेज वाली आत्मा पहले से ही निकल गई। और लास्ट में मतलब अभी प्रॉब्लम से इधर जो भी मतलब छोटे मोटे राजा महाराजा जैसे महात्मा गांधी जैसे आत्मा होती है ना, तो इनकी आत्मा अंदर में इनकी आत्मा करके जब पता चलेगा क्या है? 500 करोड़ आत्माओं के पार्ट का पता नहीं चलेगा? कम से कम उनके फॉलोअर्स को पहले पता चलेगा या नहीं चलेगा? है जो नारायण के फॉलोअर्स होंगे उनको पता चलेगा, पहले पता चलेगा, दूसरों को नहीं चलेगा।
बाबा जहाँ दूसरों को भी पता चले। बाबा जैसे नेपाल में हमारा 240 वर्ष पृथ्वीनारायण शाह का राज चला है, तो पृथ्वीनारायण शाह जो है तो उसका नाम भी पृथ्वी नारायण शाह, नारायण का नाम आता है। चलो तो इसका 240 वर्ष चला, तो इस पृथ्वीनारायण शाह जो हुआ पहला जो शाह वंश का जो पहला राजा हुआ, इसका लास्ट राजा ज्ञानेन्द्र हुआ, अभी जो प्रकृति छोड़ के आज बैठा हुआ प्रजा के बीच। तो मान लीजिए पृथ्वीनारायण शाह का जो पाठ है वो तो नाम का ही पाठ होना चाहिए। चलो नाम के आधार पर आप समझ लो, लेकिन और दूसरे प्रूफ भी तो मिलने चाहिए। एक एक प्रूफ से नहीं चलेगा, क्योंकि पूरा नेपाल के जितने भी छोटे छोटे राजा थे सबको मिला के नेपाल का एकीकरण किया था। हाँ, तो संगठन की पावर, यूनिटी की पावर उसी आत्मा में होगी जिसने जिस संगम युग में यूनिटी बनाई होगी। अगर संगम युग में यूनिटी नहीं बनाई है तो ब्रॉड ड्रामा में भी यूनिटी नहीं बना सकता। यूनिटी से प्योरिटी साबित होती है, प्योरिटी से दुनिया के सारे काम होते हैं। तो प्योरिटी बाबा लास्ट जो कंजू का पाठ चलता है, मान लीजिए 240 वर्ष पहले का जो पाठ है, उस तो थोड़ा तो पहले नारायण में और लास्ट नारायण में अंतर होगा या नहीं होगा? लास्ट का नारायण तो भिखारी हो जाता है ना? जो लास्ट का नारायण है वो नाम बाला करने वाला होगा या बाप दादे का नाम डुबोने वाला होगा? लेकिन उसका नाम तो अभी भी नेपाल के इतिहास में अमर हो रखा है। किसका नाम? पृथ्वीनारायण शाह। अरे यार, लास्ट की बात कर रहे हैं हम। हाँ, दृष्टि कौन सी आत्मा से देवा है? दृष्टि कौन सी आत्मा से देवा? क्या कौन सी आत्मा देखने वास्तव ये तो समझने वालों की बुद्धि की बात है, उन्होंने ज्ञान कितना उठाया है। ज्ञान क्या कहता है? तो शिव बाबा से ही दृष्टि लेनी चाहिए या देहधारियों से दृष्टि लेनी चाहिए? आज की मुरली में बता दिया, प्रजापिता है तमो प्रधान और शिव वाली आत्मा है सतो प्रधान। सतयुग कौन स्थापन करने वाला है? शिव बाबा सतयुग स्थापन करने वाला है। प्रजापिता वाली आत्मा वो तो है ही तमो प्रधान। तुम सब बच्चे तमो प्रधान हो, तुम सर्विस नहीं करते हो, तुम्हारे द्वारा बाप दादा सर्विस कराते हैं। और फिर बाबा शिव निराकार का तो मन होता नहीं है? शिव निराकार का तो मन होता ही नहीं। शिव निराकार को क्या नहीं होता? मन नहीं होता, अपना मन तो नहीं होता है। राम वाली आत्मा को मन, अपना मन बनाना पड़ता है। संकल्पों से सृष्टि कौन रचता है, राम या शिव? ब्रह्मा संकल्पों से सृष्टि रचता है, वो ब्रह्मा कौन सा है? राम वाली आत्मा वो ब्रह्मा का पाठ बजाती है जो संकल्पों से सृष्टि रचता है, या दादा लेखराज वाली आत्मा है? राम वाली आत्मा है। निराकारी स्टेज में है, शिव बाप की याद में है तो सत्य की सृष्टि रचती है। साकार स्टेज में है तो कलयुग की सृष्टि रचता है। दादा, बच्चों के लिए क्रिमिनल बैठती है? हाँ? बच्चों के लिए ही क्रिमिनल बैठती है, क्योंकि बच्चों ने ही 100 गुने पाप किए हैं जिस जन्म में ब्राह्मण बन के। पहले बाप के बच्चों को सजा मिलनी चाहिए या दुनिया वालों को मिलनी चाहिए? ज्ञान किसने लिया है? हैं? बाप के बच्चों ने ज्ञान लिया है तो सजा किसको मिलनी चाहिए? बच्चों को ही सजा मिलनी चाहिए। ट्रिब्यूनल में बाबा जो बैठती है ट्रिब्यूनल है, एक तो समझिए उसका सुप्रीमो होता है ट्रिब्यूनल में है। अलावा जो सात और उनका सुडोमी हो गए ना ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल माने तीन ट्रिब्यूनल। हाँ, तीन 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 का मतलब है उनमें एक मैन होगा, मुखिया और दो असिस्टेंट हुए। अरे विष्णु और ब्रह्मा क्या है? असिस्टेंट है। ट्रिब्यूनल में तीन बैठे हैं। हाँ जी, अमुक
कौन सा आवाज क्यों है? अरे यही पता नहीं चला कि त्रिमूर्ति में मुखिया कौन है? क्यों दो महादेव का फिर बेसिक में जैसे ब्रह्मा सरस्वती जैसे आत्मा जैसे बोल होता है। जोर से बोलो ना। बेसिक में हाँ नहीं खड़े होने की जरूरत नहीं। ब्रह्मा सरस्वती जैसे आत्मा के जैसे अकाली मौत होती है हार्ट अटैक आती है बीमारी द्वारा और उन जैसे जैसे दीदी दादाओं की भी शरीर छुट्टी है तो उनको सुसु शरीर मिलता है। इसी तरह एडवांस में भी ऐसे दुर्घटना से या हार्ट अटैक आदि से शरीर छुटता है उनको भी सूक्ष्म शरीर मिलेगा। कब तक मिलता है? जब तक हार्ट अटैक से या अकाले मौत से शरीर छोड़ते रहेंगे। और फिर वो पुनर्जन्म में जाते हैं? जाएंगे क्योंकि उन्होंने एडवांस ज्ञान भी ले रखा है। कुछ समय के लिए सूक्ष्म शरीर मिलता है? है कुछ समय के लिए सूक्ष्म शरीर मिलता है। हाँ फिर वो पुनर्जन्म में जाते हैं। जाते बाबा सुषुम्ना में कौन सा चीज है जो बनाने में भी मिलता है और निकालना भी मिलता है? बाबा कहते हैं सुषुम्ना में कुछ चीज ही नहीं है। बाबा कहते हैं कि सुषुम्ना में कुछ चीज है स्थूल में कुछ नहीं है लेकिन मन के संकल्प जब सूक्ष्म बन जाते हैं तो संकल्पों के वाइब्रेशन ही सूक्ष्म बतन है। कौन सी स्टेज है ज्ञान की? और फिर बाबा ने कहा कि आदि में सूक्ष्म बतन मैंने रखा कि साक्षात्कार होते थे ना। आदि में साक्षात्कार होते थे जो आत्माएं ज्ञानी नहीं थी भक्त आत्माएं थी जैसे ब्रह्मा बाबा। भक्त आत्मा है या ज्ञानी आत्मा है? भक्त आत्मा है तो उनको लिए साक्षात्कार बुद्धि के नहीं चलते हैं। उनको बंद आंखों के साक्षात्कार होते हैं। बाबा जैसे बेसिक में जो तीन स्टेज दिखाया गया था तो संदेशियों ने साक्षात्कार नहीं देखा। ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी शंकरपुरी खाली उनको समझाने के लिए नहीं दिखाया खाली थोड़ा सा बैठाने के लिए। उनके बेसिक वालों की ज्ञान की स्टेज अलग है और हमारी ज्ञान की स्टेज अलग है। तो हमारा स्तर बौद्धिक है उनका स्तर भावना का है। भावना काल्पनिक हो गया। हाँ काल्पनिक हो गया। बोला जब मैंने संदेशी ने कहा जब मैंने सब देखा जैसे स्वप्न में कोई देखता है ऐसे उन्होंने साक्षात्कार में देखा। हाँ जी बुद्धि का स्टेज। हाँ जी हाँ जी दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे हाथ में किसी को देता है नहीं इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब यह है कि शिव बाबा ज्ञानी तू आत्माओं को ज्ञान के आधार पर साक्षात्कार कराता है। ऐसा न हो कि जो बौद्धिक आत्माएं हैं अपवित्र आत्माएं हैं जन्म जन्मांतर राजा बन के अपवित्र कर्म किए हैं उनको भी वो स्टेज प्राप्त हो जाए जो पवित्र आत्माओं को प्राप्त होनी चाहिए। पवित्र आत्माओं को उठाने के लिए ये बंद आंखों का साक्षात्कार है। ये कार्य दूसरी आत्माओं को नहीं सौंपा जा सकता। पवित्रता और ज्ञान दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। ज्ञान के बगैर पवित्रता कोई काम की नहीं और पवित्रता के बगैर ज्ञान कोई काम का नहीं। ये अंधे और लंगड़े की कहानी है इसलिए बाप जो दिव्य दृष्टि का साक्षात्कार होता है उसकी चाबी अपने हाथ में रखते हैं। रुद्रमाला के मणकों के हाथ में नहीं दे सकते ये तो महाभिकारी है सत्यानाश करके रख देंगे। प्योरिटी को तरजीह नहीं देंगे
और बाप दादा तो बाप तो एवर प्योर है, जो जैसा होता है भैंसों को तरजीह देता है कि नहीं देता है, है? देता है तो दे रहा है। देता है माना बाबा शास्त्र करा देता है, जिस दृष्टि के कारण देता है शास्त्र करा देता है। हाँ, पवित्र आत्माओं को भी मान्यता बहुत देता है, ज्ञानी तो आत्माओं को भी मान्यता देता है, एवर प्योर है इसलिए वो पवित्र आत्माओं को भी आगे बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्माओं को इतना ज्ञान की दरकार नहीं है, 63 जन्म में ज्यादा नीचे गिरे हैं या रुद्रमाला के मण के ज्यादा नीचे गिरे हैं? है, रुद्रमाला के मण के ज्यादा नीचे गिरे हैं, तो उनको शुरुआत से ही ज्ञान दिया जाता है। तो अपने बुद्धि का उपयोग कर लो, देखो कहां तक लंगड़ा लंगड़ा के चलते हो, नदी पार कर पाते हो कि नहीं, तुम्हारा बुद्धि का अहंकार तो मिट जाए।